अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो जी, जल्दी से आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, तमाम ब्रांड्स पे आजकल लगी हुई है धमाकेदार सेल। जी, मैं आई हुई थी यहाँ फॉरएवर पे, तो यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त सेल लगी हुई थी इनकी। ये सारे जो आप लोग शूज देख रहे हैं सब सेल पे थे और बहुत ज्यादा रिजनेबल थे। ये सारे फ्लैट शूज भी थे यहाँ पे, स्ट्रैप वाले जो थे वो भी थे, हील्स जो थी ना वो काफी ज्यादा मुझे देखने को मिली है। फ्लैट शूज भी थे और जो सैंडल टाइप होते हैं ना वो भी थे, बट हील्स बहुत ज्यादा थी वहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों को पता है कि शादियों का सीजन है, तो काफी रीजनेबल हील्स वगैरह आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी, तो जरूर विजिट कर लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा जी, ये वाली साइड जो थी ना, आई थिंक ये न्यू अराइवल था, नहीं बल्कि न्यू अराइवल नहीं था, इस पे भी ऑफ लगा हुआ था, अभी मैं आगे आप लोगों को दिखा भी दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे शूज लगे हुए थे, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इनके जो डिजाइन होते हैं ना शूज के, वो काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। ये देख लो, ऊपर लिखा हुआ, इस पे भी फ्लैट लगा हुआ था, ऑफ कितने परसेंट था ये मैंने अभी नहीं देखा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा जी, काफी अच्छे अच्छे शूज थे यहाँ पे जी, सारी जेंट्स की वैरायटी भी लगी हुई थी, इसमें भी काफी अच्छा ऑफ लगा हुआ था, 50% ऑफ था इनके ऊपर। ये देख लें, सारे डिजाइन थे तो मैंने कहा बना लेती हूँ, तो अगर आप लोगों ने लेना हो किसी के लिए तो आप लोग जाके ले सकते हैं। उसके अलावा जी, ये देखें जी, सारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद ही हम लोग आ गए थे जी मेट्रो पे, और यहाँ पे भी जो है ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। किसी रैक पे जो था वो 30% ऑफ था, ये वाले जो थे ना शूज, इन पे आई थिंक 50% था या पता नहीं कितना था, लेकिन काफी अच्छा ऑफ लगा हुआ था। मैं भी आप लोगों को सारे दिखा भी दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप लोग सर्दियों के लिए लेना चाह रहे हैं ना शूज, तो वो भी ले सकते हैं आप लोग जाके, क्योंकि वो तो इस टाइम पे ना अब सेल पे ही होंगे। उसके बाद न्यू आर्टिकल्स भी होंगे, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं शूज। इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लैट थे, लेकिन बंद शूज भी मुझे ज्यादा नजर आए थे यहाँ पे। उसके अलावा जी, ये सारे हील्स वाले भी लगे हुए थे, ब्लॉक शूज भी थे, वेलवेट में भी थे, पंप्स भी थे। उसके अलावा जी, बस ये सारे हैं, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे डिटेल से, तो भी सारे जब आप लोग खुद जाएंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा। स्ट्रैप वाले भी बहुत प्यारे प्यारे शूज थे, अगर अम्मियों के लिए लेने हैं ना आप लोगों ने तो वो भी ले सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे थे। और इनके जो शूज होते हैं काफी कंफर्टेबल होते हैं थे। ये वाला डिजाइन तो बहुत ही पुराना हो गया, जो ये ऑरेंज वाला आप लोगों को नजर आ रहा होगा ना सामने। उसके अलावा जी, ये पीछे जो जितने भी अच्छा काफी अच्छे अच्छे कलर्स थे इनके, बाकी पेस्टल कलर्स आपको पता है वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं शूज में ना। उसके बाद जी, मुझे ये वाला शूज़ पसंद आया था तो मैंने ले लिया था। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्टाइल भी बहुत अच्छा था, तो ये मुझे 4000 की रेंज में था, तो मुझे ये मिला था 2500 का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया है। इस तरह का ही लगता है, बहुत प्यारा शूज़ है। तो जी, ज़रूर विजिट कीजिएगा, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए ना तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा आप लोगों को। उसके अलावा जी, मेट्रो पर जो है ना वो तो फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है, तो वहाँ भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जी, हम लोग आ गए थे ये लिट पे, बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई थी इसकी, तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो जी, बाहर से ये कुछ इस तरह का दिखता है और काफ़ी अट्रैक्टिव जो है ना इन लोगों ने इसकी एंट्रेंस बनाई हुई है, साथ ही नखलिस्तान भी है। इस पर भी कभी जाऊंगी तो आप लोगों को रिव्यू दूंगी इसका भी। तो ये जो है ना रूफ टॉप पे है, तो इसका मुझे वैसे बड़ा शौक हो रहा है कि यहाँ जाने का, लेकिन अभी जो है ना मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ। ये इस तरह की इनकी लाइटिंग शाइटिंग फुल जो है ना, इन्होंने डिस्को टाइप माहौल बनाया हुआ था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बाहर से इनके एंट्रेंस जो है ना वो बहुत प्यारी लगती है, यानी गुजरते हुए इंसान मुड़ के देखते हैं कि क्या चीज़ बनी हुई है यहाँ पर ना, तो बस हम भी इसी तरह ही अट्रैक्ट हुए थे और हम भी आ गए कि चलो देखते हैं चल के। तो यहाँ से जी हम लोग अंदर एंटर हो गए थे और इस टाइप का जी अंदर कुछ माहौल है। एक साइड पे जो है ना इन्होंने जूस बार बनाया हुआ है और बाकी जो है ना सामने इनका किचन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और सिटिंग एरिया जो है वो कुछ इस तरह का है। फुल जो है ना कलरफुल सा इनका थीम है सारा, चेयर्स वगैरह और फुल जो बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ओवरऑल अगर इसकी लुक वाइज देखा जाए ना तो बहुत प्यारा था। ये बर्थडे कॉर्नर एक सेट किया हुआ था, इस तरह की इनकी चेयर्स थी, टेबल्स थी, और अंदर की तरफ आप जाए ना तो इस तरह से सारा सिटिंग एरिया था, इस तरह ना फुल गैलरी में ये सही हो गया। तो बस जी हम लोग यहीं कहीं बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी आ रही थी और ये वाला कॉर्नर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ जो है ना बहुत प्यारे प्यारे इन लोगों ने फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे, बहुत प्यारा कॉर्नर सेट किया हुआ था ये देखें जी। तो बस मैं तो यहीं बैठ गई थी और ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये लैंप रखे हुए थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जिस तरह से बाहर से अट्रैक्टिव और कलरफुल लग रहा था ना, उसी तरह से अंदर का भी इनका सारा थीम है, तो बहुत कलरफुल सा जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है। तो आप लोगों ने अगर नहीं गए ना तो जरूर जाइएगा, पिक्चर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी आती हैं। बाकी खाने का रिव्यू तो
तो मैं अभी आप लोगों को आगे दूंगी। तो ये देखें जी, इस तरह से अभी आप लोगों को सारा मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। जी बर्गर हमारा आ चुका था, हम लोगों ने ग्रिल बर्गर ऑर्डर किया था, उसके साथ हम लोगों ने रैप मंगवाया था। कुछ इस तरह का दिख रहा था बर्गर, जैसे कि नॉर्मली आपको हर जगह पे मिल जाता है बर्गर, लेकिन असल गेम जो होती है ना वो सॉस की होती है। सॉस जो होता है ना इतना अच्छा अंदर डला होता है ना, बर्गर का टेस्ट जो है ना वो चेंज ही हो जाता है सारा। तो जी बर्गर खाने के बाद तो इसका टेस्ट मुझे नॉर्मल लगा था, बहुत जो खास होता है ना उस टाइप का नहीं लगा था, सही था, खाया जा सकता है। इसके अलावा जी अगर आप लोगों ने विजिट किया हुआ है पहले से और मुझे आप लोग रिकमेंड कीजिएगा कि इनका क्या चीज जो है ना बहुत जबरदस्त है, तो मैं वो भी जरूर ट्राई करूंगी और फिर आप लोगों के साथ ना इसका रिव्यू जरूर शेयर कर दूंगी। उसके बाद ये रैप भी आ गया था हमारा, रैप की तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा दुश्मन हूँ, तो रैप मुझे काफी अच्छा लग गया, अच्छा लगा था। उसका टेस्ट भी अच्छा था, फुल जूसी बना हुआ था, और रैप मुझे वैसे सब जगह की पसंद आ जाते हैं बेशक अच्छे हो या ना हो। और उसके अलावा आप लोग ऐसा करिएगा कि मुझे रैप का ही बताइएगा कि कहाँ पे जो है ना सबसे जबरदस्त रैप मिलता है, तो मैं वो भी जरूर ट्राई करूंगी, फिर उसका भी रिव्यू शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ भी कि मुझे वो अच्छा लगा था या कैसा लगा था, ठीक हो गया। तो बस जी इसके बाद हम कुछ मीठा मीठा खाएंगे और उसके लिए हम आ गए थे मफिन्स पे। तो भाई ये तो ऑल टाइम फेवरेट होती है ना सबकी, तो यहाँ पे भी आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि इससे अच्छी जो है ना कोई बेकरी है तो वो भी मुझे आप लोग बताइएगा, जिनके केक या इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं। तो इनके केक वगैरह तो यार बहुत मज़े के होते हैं, पेस्ट्री वगैरह खा लें आप लोग ये जो भी खा लें, तो इससे अच्छी भी कोई है तो मुझे बताइएगा आप लोग, मैं उसकी भी ट्राई कर लूँगी फिर। और गौरमे की तो मुझे पता है, उसके अलावा तकबीर वालों की बस सही लगती है मुझे, इनकी मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये इनकी सारी वैरायटी रखी हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिनको नहीं पता वैसे तो सबको पता ही होगा। तो गिनी चुनी तो यहाँ पे हमारे भावलपुर में बेकरीज हैं तो सबको पता ही है मफिन्स का भी, और तो इसके अलावा मुझे जरूर बताइएगा आप लोग अगर आप लोगों को पता है तो। सही है, अभी मैं सारे आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस जी घर आके भी मैंने इनकी चॉकलेट पेस्ट्री खाई थी, तो उसको मैंने प्लेट में निकालने की भी जहमत नहीं की थी क्योंकि सब्र नहीं हो रहा था, इनकी बहुत मजे की। आप लोग ने नहीं ट्राई की ना तो जरूर कीजिएगा। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।